ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। जय यीशु। परमेश्वर कहते हैं, व्यक्ति भाग्य के विरुद्ध लड़ते हुए अपने पूरे जीवन भर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश में दौड़ भाग करते हुए और धन संपत्ति और हैसियत के बीच भागते हुए अपना सारा समय बिता देता है। जिन चीजों को लोग सहजो कर रखते हैं, वे है परिवार, पैसा और प्रसिद्धि। वे इन्हें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों के रूप में देखते हैं। सभी लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में उन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं जिनके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? जब तक कि उनकी युवावस्था उनका साथ नहीं छोड़ देती, उनके बाल सफेद नहीं हो जाते और उनकी त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ जाती, वे अपना सारा जीवन शोहरत और दौलत के पीछे भागने में ही लगा देते हैं। वे इस तरह तब तक जीते रहते हैं जब तक वे यह नहीं देख लेते कि प्रसिद्धि व सौभाग्य किसी का बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते हैं। धन हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता है जब तक वे यह नहीं समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, उम्र के बढ़ने, बीमारी और मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता है और नीति ने उनके लिए जो तय किया है, कोई भी उससे बचकर भाग नहीं सकता है। केवल जब उन्हें जीवन के अंतिम मोड़ का सामना करने को बाध्य होना पड़ता है, तभी सही मायने में उन्हें समझ आता है कि चाहे किसी के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति हो, उसके पास विशाल संपदा हो, भले ही उसे विशेषाधिकार प्राप्त हो और वह ऊंचे पद पर हो, फिर भी वह मृत्यु से नहीं बच सकता है और उसे अपनी मूल स्थिति में वापस लौटना ही पड़ेगा। एक एकाकी आत्मा जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, लोग अपना जीवन धन दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए बिता देते हैं। वे इन तिनकों को यह सोचकर कसकर पकड़े रहते हैं कि केवल ये ही उनके जीवन का सहारा है, मानो कि उनके होने से वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और मृत्यु से बच सकते हैं। परंतु जब मृत्यु उनके सामने खड़ी होती है, केवल तभी उन्हें समझ आता है कि ये चीजें उनके पहुंच से कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से बिखर जाते हैं, वे कितने अकेला और असहाय हैं, और वे कहीं से सहायता नहीं मांग सकते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जीवन को धन दौलत और प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही धनी क्यों हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो, मृत्यु के सामने सभी समान रूप से कंगाल और महत्वहीन हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि धन दौलत से जीवन नहीं खरीदा जा सकता है, प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है। न तो धन दौलत और न ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन की एक मिनट या एक पल के लिए भी बढ़ा सकती है। लोग जितना अधिक इस प्रकार महसूस करते हैं, उतनी ही अधिक उनकी जीवित रहने की लालसा बढ़ जाती है। लोग जितना अधिक इस प्रकार महसूस करते हैं, उतना ही अधिक वे मृत्यु के पास आने से भयभीत होते हैं। केवल इसी मोड़ पर उन्हें वास्तव में समझ में आता है कि उनका जीवन उनका नहीं है और उनके नियंत्रण में नहीं है और किसी का इस पर वश नहीं है कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। यह सब उसके नियंत्रण से बाहर है। यदि कोई जीवन को सृजनकर्ता की संप्रभुता का अनुभव करने के एक अवसर के रूप में देखता है और उसके अधिकार को जानने लगता है, यदि कोई अपने जीवन को सृजित किए गए प्राणी के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने और अपने ध्येय को पूरा करने के एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखता है, तो जीवन के बारे में उसके पास निश्चित ही सही दृष्टिकोण होगा और वह ऐसा जीवन बिताएगा जिसमें सृजनकर्ता का आशीष और मार्गदर्शन होगा।
वह निश्चित रूप से सृजनकर्ता की रोशनी में चलेगा। वह निश्चित रूप से सृजनकर्ता की संप्रभुता को जानेगा। वह निश्चित रूप से उसके प्रभुत्व में आएगा और निश्चित रूप से उसके अद्भुत महिमा गवाह बनेगा। पिता यीशु के पवित्र नाम में आमीन।